आज ग्राम पंचायत दनोली में मैं सभी भाइयों का मान और सम्मान करता हूं जिन्होंने मेरा यहां पे इंतज़ार किया। आज ग्राम पंचायत दनोली मेरा इतना मान सम्मान करने पे वाल्मीकि समाज व छत्ती बिलादरी भाईचारा को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। भाई राजेंद्र जी, सुनील चपाड़ प्रधान, सुरेश पंच बधाई के पात्र हैं जो सहमति से पंच चुने गए हैं, रोशन जी, गुरुदेव जी, प्रेम जी, राजेंद्र जी और मेरे साथ आए सभी छत्ती बिलादरी के भाईचारा। जिला परिषद का आज़ाद उम्मीदवार वार्ड नंबर 24 से मनदीप सिंह बाजवा आपके बीच में आपसे आज हाथ जोड़ के अपील करने आया हूं कि मेरा चुनाव निशान मटका है, आने वाली 9 तारीख को बढ़ चढ़ के मतदान करें और मेरे को यहां से भारी मतों से विजय दिलाएं। जैसा कि आपको पता है, मैं एक किसान का बेटा हूं, छोटे से किसान का बेटा हूं और आपके बीच में आया हूं। आपसे यही अपील करता हूं कि बढ़ चढ़ के मतदान करें और मेरे को भारी मतों से जिताएं। धन्यवाद जी। तो देखिए, लाइव है तस्वीरें और गांव दनोली में है। कुछ ही दिनों पहले असंध में इलेक्शन हुए थे और जिनको मटके का निशान मिला था वो काफ़ी बहुमत से जीते भी थे। और भाई साहब, उम्मीद है पूरी जिस प्रकार से जन समर्थन आपको मिल रहा है। दिलबाग जी, पहले तो आपका यहाँ पहुँचने से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप जानते हो, आप जहाँ भी मेरा प्रोग्राम होता है इतना मान और सम्मान मिलता है कि मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं साहब सिंह हूँ, तो हम भाई मनदीप सिंह से सारा गांव से अपील भी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीता। दनोली जिसकी बाँह पकड़ लेगा वो जीता। हाँ जी, हाँ जी, फुल समर्थन करेंगे जी। हाँ। दिल से मन से हमारे प्यारे भाई बहन सारे तो इनको जिता के भेजेंगे जी। गुरु जी खालसा वाहेगुरु जी। तो आज क्या विशेष? ये जैसे आपको पता है कि हमारे गांव में सरपंची का सहमति से चुना गया है और तकरीबन पंच भी चुने गए हैं, ब्लॉक समिति का भी चुना गया है और हमारे गांव का बहुत ही मतलब एका है और बहुत भाईचारा है हमारे गांव में। तो भाई मनदीप को पहले भी हम जब आए थे हमारे गांव में हमने पूरा समर्थन दिया था, आज दोबारा हमारे गांव में आए हैं तो हम पूरे गांव की तरफ से इनको पूरा समर्थन देते हैं और पूरा मतलब अपने गांव से सबसे ज़्यादा वोटर्स जितवाएंगे। और आज वाल्मीकि जो समाज था इन्होंने बुलाया था, इन्होंने भी पूरा तन मन धन से पूरा इनका समर्थन किया है और हम पूरे जितवाएंगे, पूरे बहुत ज़्यादा वोटर जितवाएंगे। हाँ जी, मैं सुरेश कुमार वाल्मीकि समाज से। ये भाई जी आए हैं बाजवा साहब, हम इनको समर्थन करते हैं, पूरे गांव में से जीत दिला के भेजेंगे। क्या खास प्रोग्राम था और गांव जबाड़ा से यहाँ पर और आपने भी बड़ा तगड़ा प्रोग्राम करवाया था, क्या मैसेज देंगे? मैं भाई तेजपाल सिंह बिचला गांव जबाड़ा से और हम तहे दिल से भाई मनदीप सिंह बाजवा के साथ हैं और बढ़ चढ़ के इसका साथ देंगे, सहयोग करेंगे और इसको जिता के लाएंगे भाई को। धन्यवाद। राजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अपने भाई मनदीप जी सिंह बाजपा जी आए हैं, हम इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनको भारी बहुमत से हम जिताएंगे और जिता के लाएंगे। हमारी लाइव तस्वीरें हैं और ये गांव दनोली है। यहाँ जब कोई एमपी का इलेक्शन होता है, विधायक का इलेक्शन होता है तो सबसे पहले ये सोचता है कि मैं गांव दनोली से शुरुआत क्यों, क्योंकि गांव दनोली जिसकी बाह पकड़ता है उसको जितवा करके लेकर के आता है। आज गांव दनोली ने मनदीप सिंह बाजवा की बाह पकड़ी है और एक तरफा जो है आश्वासन दिया है कि हम आपको जितवा करके लेकर के आएंगे। तो इन तस्वीरों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मनदीप सिंह बाजवा का जो निशान है वो है मटके का, मटके के ऊपर मोहर लगा करके भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएं और बने रहें असंध अंचल हरियाणा के साथ। बात है जो जी जी। वो वाल्मीकि चौपाड़ दनोली से ही होती जी है जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमारे विधायक बने हैं वो भी यहीं से शुरू से जीते हैं और हमारे भाई मनदीप बाजवा भी आज यहीं से जीत का ऐलान करके जाएंगे। भाई मनदीप बाजवा, भाई मनदीप बाजवा।
गांव दनोली में जो है डोर टू डोर कंपेनिंग करते हुए मनदीप सिंह बाजवा अपने साथियों के साथ और मटके के निशान पर 9 तारीख को मटके के निशान पर ज़्यादा से ज़्यादा मोहर लगा के मनदीप सिंह बाजवा को जो है विजयी बनाए। वार्ड नंबर 24 और इस समय डोर टू डोर कंपेनिंग करते हुए अपने साथियों के साथ और गांव दनोली में है। गांव दनोली में काफ़ी एक तरफा माहौल जो है मनदीप सिंह बाजवा का जो है यहां नज़र आ रहा है। बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दनोली में जो है काफ़ी रश है और इस समय डोर टू डोर कंपेनिंग करते हुए दिलबाग सिंह हमारे साथ है। सर, आज गाँव दनोली पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपने देखा होगा कि यहाँ वाल्मीकि चौपाल में भी आज बहुत बढ़िया उन्होंने एक तरफा समर्थन दे दिया है और पूरा गांव दनोली पहले दिन से हमारे साथ है और पूरा इन्होंने एक तरफा समर्थन है कि 100% जो वोटिंग है वो अमनप्रीत कौर के हक में होगी और एक तरफा माहौल चल रहा है। पहले नंबर पर विजय घोषित होंगे, पूरे दनोली गाँव की 36 बरादरी भाईचारा हमारा साथ है। देखिए, काफ़ी जोश में है और एक तरफा माहौल जो है गाँव दनोली में बनता हुआ। मनदीप सिंह बाजवा जो है मौके पर पहुंचे हैं, सभी बुजुर्ग युवा साथी जो है साथ में हैं। बने रहें और जुड़े रहें, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा शेयर भी करें। मनदीप बाजवा, मनदीप बाजवा, मनदीप बाजवा। तो भाई, डोर टू डोर कंपेनिंग करते हुए और पूरे गांव का जो जन समर्थन है वो एक तरफ यहां नजर आता हुआ। पूरे गाँव के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं चाहे युवा है, वो डोर टू डोर साथ साथ चलते हुए और एक तरफा जो है जीत का आश्वासन देते हुए कि आपको हर एक वोट जो है आपके मटके पर डाला जाएगा और आपको विजयी बनाया जाएगा। इस समय युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी साथी जो है डोर टू डोर गांव के बीचों बीच कंपेनिंग करते हुए।